लोग बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अपना कोई बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि कैसे सफल बिजनेसमैन बने। अपना कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो डाउट रहता है कि काम में कामयाबी कैसे मिले। एक सफल बिजनेसमैन के आइडियाज, स्टेप्स, टिप्स जानना चाहते हैं। एक सक्सेसफुल सीईओ एक सफल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। उनके राज जानना चाहते हैं कि वो ऐसा क्या करते हैं जिससे अपनाया जा सकता है, जो हेल्पफुल हो, तो ये बुक समरी जरूर सुने। द हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स किताब के लेखक डियन होरोविट्स, जो एंडरसन होरोविट्स के को फाउंडर हैं, सिलिकॉन वैली के अनुभवी और सम्मानीय एंटरप्रेन्योर भी हैं, एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी हैं। लेखक लिखते हैं कि बिजनेस स्थापित करना आसान नहीं होता, बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं। लेखक लिखते हैं कि बिजनेस आसानी से बिल्ड नहीं होता, कई एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। बिजनेस करना हार्ड नहीं है, बल्कि हार्ड तो यह है जब कोई बड़ा लक्ष्य छूट जाता है, उसे एक्सेप्ट करना, या फिर बिजनेस में अच्छे लोगों के बिना मतलब के डिमांड्स को हैंडल करना, अच्छे लोगों को बिजनेस से जोड़ना इत्यादि। बिजनेस के बारे में बात करना तो आसान है, लेकिन मुश्किल होती है शुरुआत में, जब उस समय प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं बन पाता, क्योंकि स्टार्टिंग प्रोसीजर होता है। सपने देखना कि बिजनेस करेंगे, कामयाबी मिलेगी आसान है, लेकिन हार्ड होता है ये एक्सेप्ट करना कि हमारा सुनहरा सपना बुरे सपने में बदल गया। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर कैसे बिजनेस चलाया जाए और सफल बनाया जाए आदि जुड़ी इम्पोर्टेंट बातें बताई गई हैं। मुश्किल स्थिति में अपना बिजनेस कैसे बिल्ड करें जब कोई आसान तरीका ना मिले, कठिन सवालों के आसान जवाब ना मिले, इन सब का सॉल्यूशन है ये बुक, जिसे इस बुक समरी में क्लियर रूप से बताया गया है। इस बुक के सभी चैप्टर्स में बिजनेस से जुड़ी इम्पोर्टेंट बातों को डिस्क्राइब किया गया है। जब तक हम एफर्ट्स नहीं करते, कुछ भी पाना या जानना मुश्किल होता है। अपनी वेंचर की शुरुआत लेखक ने अलग अलग रूपों से की। वे दुनिया की भीड़ में कभी नहीं चले, जिसकी शुरुआत उन्होंने एक कम्युनिस्ट परिवार से जुड़कर की थी। लेखक ने एक रूप में न बंधकर अलग अलग दृष्टिकोण को अपनाया है, जहां उन्होंने लोगों के मत और तथ्यों को अलग करना सीखा, जिससे वह अपोजिट मतों को हैंडल कर पाए। किसी भी चीज को जानने के लिए सही जानकारी की जरूरत होती है, जिसके लिए प्रयास करना जरूरी है। ऑथर कहते हैं कि सफलता या नॉलेज प्राप्त करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, अधिकतर ज्ञान हमें खुद के अनुभव से ही प्राप्त होते हैं। सही और प्रॉपर ज्ञान का होना जरूरी है, शॉर्टकट के गलत संदर्भ हमें असफलता की ओर ले जाते हैं, जो कि घातक सिद्ध होते हैं। आई विल सर्वाइव इस चैप्टर में लेखक ने बिजनेस से जुड़े मनी इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप के लिए जरूरी बातें और किन दोस्तों से जुड़ना चाहिए आदि बातों को बताया है। लेखक लिखते हैं, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मार्केट में रिसर्च करना जरूरी है कि बिजनेस की मार्केट में क्या वैल्यू है, इन्वेस्टर मिलेंगे या नहीं। अगर आपको लगता है कि बिजनेस में इन्वेस्ट के लिए इन्वेस्टर नहीं है, तो घबराने के बजाय यह सोचे कि अगर मार्केट में 20 इन्वेस्टर से ज्यादा भी हैं और सब ने मना कर दिया, तो भी एक इन्वेस्टर की हाँ तो मिल सकती है। एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के साथ आगे बढ़े, कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा, बस तलाश हमें एक ही करनी होती है। लेखक लिखते हैं कि स्टार्टअप शुरू करने के दौरान हम दो तरह के इमोशंस से गुजरते हैं, एक तरफ उत्साह तो दूसरी तरफ भय होता है, जो सिचुएशन पर निर्भर करते हैं। ऐसे में हमें हेल्प की जरूरत पड़ सकती है, और ऐसी सिचुएशन में जिन दोस्तों से हम कनेक्ट हो सकते हैं, उनको लेखक ने दो भागों में बांटा है। एक प्रकार के दोस्त वो होते हैं, जब कुछ अच्छा होता है तो हम उन्हें कॉल करते हैं, तो ऐसे दोस्त हमारी खुशी से एक्साइटेड होते हैं।
दूसरे प्रकार के दोस्त वो होते हैं जब हम डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाते हैं या हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम उन्हें कॉल करते हैं। दिस टाइम विथ फीलिंग। इस चैप्टर में लेखक लिखते हैं कि कुछ करने के लिए सर्च जरूरी है, जैसे सरवाइव करने के लिए बाहर जाना, बाहरी दुनिया से इंटरैक्ट करना और जो जो स्थितियां रास्ते में आती हैं, उनसे सीखना सफलता की ओर ले जाते हैं। ऐसे ही अपने एम्प्लॉय को फ्रीडम दें, क्योंकि कोई भी बड़े प्रोजेक्ट देर से क्यों पूरे होते हैं, इसके पीछे कोई एक व्यक्ति भी कारण हो सकता है। इसलिए पूरी टीम को एक ही अप्रोच के साथ अपने प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहिए और समान रूप से कार्य करना चाहिए। When Things Fall Apart, लेखक इस चैप्टर में लिखते हैं कि कई बार ऑर्गेनाइजेशन को अपने कार्य के प्रति क्लेरिटी चाहिए होती है ताकि चीजें प्रॉपर अंडरस्टैंड हो सके। लेखक अपना उदाहरण बताते हुए कहते हैं कि कैसे उन्होंने अपने फर्म लाउड क्लाउड्स को संभाला जब उनका बिजनेस कठिन परिस्थिति से गुजर रहा था। बोर्ड मेंबर्स उन्हें बैंक्रप्सी की सलाह दे रहे थे, लेकिन लेखक ने अपने दिल की आवाज सुनी कि अगर प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के आंसर्स भी होंगे, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों को हैंडल करने के लिए कोई परफेक्ट आइडिया या फार्मूला नहीं होता, हमें उन चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। उनका मानना था सीईओ पॉजिटिव रहते हैं। टेक केयर ऑफ द पीपल, द प्रोडक्ट्स एंड द प्रॉफिट्स। इस चैप्टर में लेखक बिजनेस से जुड़े एम्प्लॉयज, प्रोडक्ट, प्रॉफिट्स की महत्ता बताते हैं और कंपनी के अप एंड डाउनस में क्या स्ट्रेटेजी हो उस ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। कंपनी के साथ एम्प्लॉयज काफी समय बिताते हैं तो उनको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना चाहिए। लेखक लिखते हैं कि कंपनी की पहचान सिर्फ अच्छे समय में नहीं होती बल्कि बुरे समय में भी देखी जाती है, जब एम्प्लॉयज कंपनी छोड़ने लगते हैं। गुड टाइम्स में एम्प्लॉयज को जॉब, फैमिली, फ्रेंड्स की खुशी मिलती है, अमीर होने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। कॉन्सर्विंग द गोइंग कंसर्न। इस चैप्टर में बिजनेस की तरक्की के साथ जो पॉलिटिक्स टर्म कंपनी में इन्वॉल्व हो जाते हैं उनको कैसे डील करें उसके बारे में बताया गया है। कंपनी में ऐसे लोग लें जो कंपनी से संबंधित एम्बिशन रखते हों, जिससे कंपनी की सफलता में हेल्प मिलती है। ऑर्गेनाइजेशन के डिजाइन, परफॉर्मेंस, इवोल्यूशन, प्रमोशन और कंपनसेशन में स्ट्रिक्ट पॉलिसीज को प्रोसेस में लाना चाहिए। अनुभवी एम्प्लॉयर्स को उनके मैनेजमेंट स्किल्स, इनोवेशन और एबिलिटी और सबके साथ व्यवहार को देखकर प्रमोट करना चाहिए। मैनेजर और एम्प्लॉयज के बीच मीटिंग होनी चाहिए ताकि सबके आइडियाज, इश्यूज, प्रॉब्लम्स पता चलें और कंपनी ग्रोथ में मदद मिले। हाउ टू लीड इवन वन यू डोंट नो वेयर यू आर। इस चैप्टर में सीईओ और एम्प्लॉयज के मध्य हार्ड टाइम्स में कैसे सिचुएशन हैंडल की जाए उस बारे में बताया गया है। जब कंपनी बुरे वक्त से गुजर रही होती है, रॉन्ग की जगह राइट थिंग्स पर फोकस करना चाहिए, अपना कंट्रोल खोने की जगह माइंड को काम रखना चाहिए। जो आपको समझते हैं उनसे बात करनी चाहिए। एक पेपर पर जिस स्थिति से गुजर रहे हैं वो बातें, आइडियाज, चैलेंजेस, अपना डर लिखें। जब कंपनी संघर्ष के दौर से गुजर रही होती है तो एम्प्लॉयज से बातें क्लियर करें, सच्चाई बताएं, टीम के साथ ट्रस्ट बनाकर काम करें और आपस में ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करें। फर्स्ट रूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, देयर आर नो रूल्स। इस चैप्टर में लेखक लिखते हैं कि बिजनेस के लिए कोई एग्जैक्ट रूल्स नहीं होते। जब स्थिति बदलती है तो रूल्स नहीं चलते बल्कि कंपनी की प्रोडक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, क्रिएटिविटी देखी जाती है। जब स्थितियां बदलती हैं तो सिचुएशन ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं। इसका कोई यूनिक आंसर नहीं है, जो सिचुएशन पर डिपेंड करता है उसके हिसाब से बिजनेस हैंडल किया जाता है। दी एंड ऑफ द बिगिनिंग। इस चैप्टर में लेखक ने अपने अनुभव बताए हैं।
वे लिखते हैं कि उनके करियर की शुरुआत इंजीनियरिंग से हुई थी। वो अपने व्यक्तिगत जीवन के एक्सपीरियंस बताते हैं कि कैसे उन्होंने सॉफ्टवेयर सेल किए थे, यूलिट पैकर्ड के लिए काम किया था, जिसके अनुभव से उन्होंने जाना कि उन्हें कुछ और करना चाहिए। उन्होंने अपनी खुद की फर्म स्टार्ट की, जो टेक्निकल फाउंडर को कंपनी चलाने में हेल्पफुल हो, क्योंकि टेक्निकल फाउंडर्स टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज को चलाने में सक्षम होते हैं, जैसे Amazon, Google, Intuit, Facebook, Apple आदि। लेखक अपनी कंपनी में ऐसे फाउंडर्स को ट्रेन करना चाहते थे जो कठिन परिस्थिति को हैंडल कर सकें, क्योंकि हार्ड थिंग्स के इजी आंसर नहीं होते। यह हार्ड होते हैं क्योंकि ये इमोशंस से जुड़े होते हैं, हमें आंसर नहीं पता होते हैं। उनकी कंपनी अनुभव और ज्ञान के तौर पर मेंटरशिप प्रोवाइड करती हैं। यह कंपनी लीडर्स को हार्ड थिंग के लिए हार्ड थिंग्स टीच करती हैं। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कठिन परिस्थिति से गुजर कर ही सफलता पाई जा सकती है। इस बुक समरी में बिजनेस में कैसे सफलता पाएं, बिजनेस के हार्डशिप को हैंडल करना, अपने बिजनेस को बिल्ड करना, एक सफल सीईओ के बारे में महत्वपूर्ण बातें आदि अनेक बातें बताई गई हैं। बस आप फॉलो करें और पॉजिटिव परिणाम पाएं।